नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में सभी रहवासी योजनाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छिपछिपी की, जहां पर आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद से आज तक यहां विकास के कई काम अधूरे पड़े हैं, जहां लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पानी पीने लायक नहीं है और बिजली पानी से लेकर सड़क की परेशानी से भी पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। वहीं जब इस मामले में सरपंच सचिव से बात की गई तो उन्होंने कोरोना का बहाना देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया, वहीं गोलमोल जवाब देते नजर आए। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं है, बावजूद इसके आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलते हैं, वहाँ पे फर्स्ट भी पड़ता है तो जो कि 8 वर्तमान है अपने ग्राम से छिपछिपी का, और यहाँ पे विद्युत वाला जो भी सर्वे भी हो चुका है 2-3 बार, इसके बाद भी पेंडिंग काम पड़ा है। हो सकता है लॉकडाउन के चलते काम में सब बंद है। बिजली पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। हाँ, सड़क तो परमिशन नहीं देते हैं ना सर, क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट है फर्स्ट चलती है रोड वहाँ पे नहीं है। और पानी, पानी व्यवस्था तो है थोड़ा, मतलब कि क्या है पूरा 2-4 घर अभी नया नया बने, उसमें नहीं हो पाया उधर तो। कब तक हो जाएगा वहाँ, कुछ उम्मीद है? वहाँ पे अगर परमिशन जैसे मिल जाता है, हैंडपम्प भी गाड़ी जाने को नहीं देते हैं उधर, जैसे उधर एक हैंडपम्प वहाँ पे दिया जाएगा। आपके गांव में बिजली पानी सड़क की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो इसकी शिकायत की है कि नहीं आप लोग कभी? तो पंचायत में देते हैं तो कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं सचिव लोग? बनेगा बनेगा, आएगा आएगा, यही तो कहते हैं। लेकिन आपके गांव में भी देखा गया कहीं कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? अरे ये नदी उदी बड़ा ढोड़ से लागे। हाँ, और ये बिजली, बिजली कहाँ है? वही मट्टी तेल मिलते थे कभी इंजोदा में, रथन नहीं तो अंधेरी लाइन में। 20-25 साल से जब से मैं जान रहा हूँ तब से आवेदन कर रहे हैं सरपंच से, विधायक महोदय जी से, और अन्य कई शिविरों में किए हैं, लेकिन कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत छिपछिपी में आए हुए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि ग्राम पंचायत छिपछिपी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आज़ादी के बाद से बिजली, पानी, सड़क जो कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इनको आम जनता तक मुहैया कराए। लेकिन बड़ी विडंबना और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत छिपछिपी का ऐसा हिस्सा है जहां पर बिजली, पानी, सड़क तीनों नहीं है। यहां के लोग गंदे नाले से पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बिजली न होने के कारण से अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। इसी के अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर सड़क की यदि बात की जाए तो सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। पंचायत की बात किया जाए तो यहाँ के ग्राम वासियों का सीधा सीधा कहना है कि पंचायतों में हमने आवेदन दिया है, स्थानीय विधायक को हमने आवेदन दिया है, कई शिविरों में आवेदन दिया है, लेकिन आज तक बिजली, पानी, सड़क से महरूम ये ग्राम पंचायत छिपछिपी बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर ग्राम पंचायत छिपछिपी के ग्राम वासियों को बिजली, पानी, सड़क कब मुहैया होता। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छिपछिपी की, जहां पर आजादी के बाद से आज भी मूलभूत सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 20 से 25 साल का समय बीत चुका है, जब से हम यहां रह रहे हैं तब से सड़क से लेकर तमाम जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल सकी है, जिसके चलते लोग वहां मौजूद जो गंदा पानी है वो पीने को भी मजबूर हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पानी लेने के लिए ग्रामीण गए, लेकिन पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है, जिसके चलते कई बीमारियां भी यहाँ ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले सकती हैं। कोरोना के बावजूद यहाँ पर जनप्रतिनिधि अपनी नजर नहीं रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को इस बात की खबर नहीं है, ग्राम पंचायत से लेकर सरपंच सचिव से लेकर विधायक तक सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो स्थिति है वो नहीं सुधरी, स्थिति जस की तस नजर आ रही है। वहीं सिर्फ
पानी ही नहीं बल्कि बिजली से लेकर सड़क की समस्या से भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। बत्ती जलाकर वो अपना काम चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये सुध लेने नहीं आते कि आखिरकार जब बिजली नहीं रहेगी तो यहाँ पर फसलों को पानी किस तरह से मुहैया कराया जाएगा। हालांकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहे। देख सकते हैं कि सड़क का निर्माण भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ खुरदुरी सड़क के बीच से ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है, जो लंबा सफर तय करने के लिए मजबूर होने का एक सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जो रास्ता है वो भी सुनसान है, जिसके चलते बिजली की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ ग्रामीण मंगल एक्का जुड़ गए हैं। मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। थैंक यू। क्या क्या परेशानियां आपको आपके ग्रामीण क्षेत्र में मिलने को मिलती है, साथ ही साथ ये भी बताइए कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वो कब तक आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सुध लेने नहीं पहुँचे? हमारे यहाँ रोड की सुविधा नहीं है और विद्युतीकरण नहीं हुआ है हमारे वहाँ। कितना समय हो चुका है? जब से मैं जान रहा हूँ। कितना मेरी एज लगभग 26 हो चुकी है जी। और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं मंगल जी यहाँ पर, जिसकी वजह से आज भी जो ग्रामीण है वो वंचित हैं? बिजली की समस्या जिस तरीके से देख रहे हैं, सड़क पानी और तमाम जो विकास के वादे होते हैं क्या वहाँ पर पूरे हो रहे हैं? ऐसे जो ग्रामीण से मिलता है ना ये सुविधा, मूलभूत सुविधा, वो कुछ भी अभी तक नहीं दिए हैं जी। मंगल जी ये बताइए कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की आपने इस संबंध में? बहुत बार किए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आश्वासन भी नहीं दिया गया आपको? आश्वासन तो दिए लेकिन हुआ तो नहीं जी। कितना समय हो चुका है, जिस तरीके से आपने बताया कि 25 साल तो हो चुके हैं जब तक विकास के कार्य नहीं हुए, क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुध लेने के लिए आया या देखने के लिए कि वाकई में यहाँ पे परेशानी है जिसे चलकर आगे चलकर इसकी समस्या का समाधान किया जा सके? हाँ तो 25 से 30 साल आवेदन करते हो गए जी। जी जी मंगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अगर परेशानी है तो वाकई में उसका निस्तारण और निराकरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक जो हैं और ग्राम पंचायत से लेकर सरपंच सचिव भी हैं, सब उनके अंडर में आते हैं, जो विकास के काम, विकास के वादे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने चाहिए, बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी विकास के काम नहीं करवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब इस मामले में ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि समस्या तो है लेकिन इसके निराकरण के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देख सकते हैं कि कितने लंबी दूरी तय कर यहाँ पानी लेने के लिए ग्रामीण जाते हैं, लेकिन ये पानी इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी स्वच्छ उपलब्ध नहीं होता है, जिसके चलते गंदा पानी पीने को भी यहाँ पर जो ग्रामीण है वो विवश हैं, मजबूर हैं। हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद जुड़ गए हैं। अविनाश ये बताइए कि इस मामले में आपको जानकारी कैसे लगी, चूंकि बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत छिपछिपी जो है वो मूलभूत सुविधाओं से तब से वंचित है जब से आजादी हुई है, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी ये ग्राम वंचित है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपने ये पड़ताल की कि वाकई में यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जो है उन्हें नहीं मिल रही है? जी राजकुमार जी, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि कोरिया जिले में हम एमकेएन जो जन मुद्दा उठाता है, जाहिर सवाल है आम व्यक्तियों तक पहुँचती है, फोन के द्वारा हमको वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि आइए हमारे गांव में देखिए कि हमारे यहाँ हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, जो एक अमूमन मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो गांव उस मूलभूत सुविधा से वंचित है। तो फोन करके राजकुमारी जी इसमें सीधा हमसे संपर्क किया गया, हम जब हमारी पूरी टीम वहां पे जाके देखा तो वाकई में पानी जो पी रहे हैं पीने तो बहुत दूर की बात है, नहाने तक योग्य नहीं है, लेकिन वो बरसात के दिनों में किस प्रकार से वो पानी, जिसे आप विजुअल में देख रहे हैं कि पानी पीने के लिए वो लोग गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उनको हो जाती हैं। साथ ही बिजली, आज की डेट में ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल इंटरनेट का समय है, लेकिन वहां पर बिजली नहीं है,
पानी नहीं है, सड़क नहीं है, आश्वासन के कई पुल तो बांध दिए गए हैं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, लेकिन धरातल पे जब बात की जाती है तो धरातल पे कोई काम अभी तक देखने को नहीं मिलता है। जी राजकुमारी जी, अविनाश अगर संख्या की बात करें तो कितनी आबादी यहाँ पर इस क्षेत्र में निवास करती है? जी आपको बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर दूर दूर गांव जो रहते हैं उनके घर जो रहते हैं वो काफी दूर दूर पे रहते हैं। वैसे जब हमने पूरा देखा तो वहाँ से 15 से 20 घर थे, लगभग 50 से 70 लोगों की आबादी वाला ये जगह था जहाँ पर ये ग्राम पंचायत छिपछिपी का एक हिस्सा है जहाँ पर ये पानी बिजली सड़क कुछ नहीं है। जी राजकुमार, अविनाश क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि 40-50 घरों की व्यवस्था भी अगर सरकार नहीं करवा पा रही है, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर शहर के मामले सामने आते हैं तो क्या वहां पर विकास के वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि आसान है, बहुत आसान है कि इतनी कम जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र में विकास करना बहुत संभव होता है और आसान भी होता है। राजकुमार जी, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पर एक चीज देखा गया है कि जब चुनावी मुद्दे आते हैं, चुनावी लुहावने वादे होते हैं, तब उन लोगों के सामने इस प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो कर दी जाती है, लेकिन जब धरातल पे बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इनका कहना रहता है कि ये राजस्व की भूमि है, ये वन विभाग की भूमि है, यहाँ पर सड़क नहीं बन सकती है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो सकता है। कुल मिला के कहीं ना कहीं टाल मटोल कर दिया जाता है और अंतोगत्वा वहाँ के ग्रामीण जो रहते हैं वो पहले की भांति आज भी अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब वहाँ के सरपंच से बात किया गया, सचिव से बात किया गया, तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशन आ गए थे जिससे वहाँ पे हम ये सुविधा नहीं पहुँचा पाए। लेकिन सोचने वाली बात है, आजादी के बाद आज तक आखिर वहाँ पर पानी बिजली सड़क की सुविधा पहुंची तो पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, ये बड़ी बात। अविनाश आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सचिव ग्राम पंचायत के गुलाब राम जुड़ गए हैं। गुलाब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। गुलाब जी क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाओं से आज भी आजादी के इतने साल बाद जब ग्रामीण वंचित है तो आखिरकार सवाल तो उठता है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? गुलाब जी आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। 44 से आजादी के बाद जो चार ठो घर है वहाँ पे जी, अभी मैं नया हूँ, अभी पता चला पूरा जानकारी हमको, अभी ट्रांसफर होके गया हूँ, मैं नया हूँ वहाँ पे। तो क्या है, वहाँ चार ठो घर है, वो जंगल फॉरेस्ट में है, जंगल में जी। वो अभी 2-3 साल से वहाँ जाके बसे हुए है नया जी। एक आदमी धौलपुर का है, तो खरगवा ब्लॉक पड़ता है, और तीन घर के जो हैं वो छिछिपी के हैं, जो कि पुराना घर मेन बस्ती है, वहां जाके नया जमीन कब्जा करके वहां पे वो निवास कर रहे हैं। लेकिन गुलाब जी यहाँ पर जो एक मिनट रोकना चाहूंगे आपको, जो छिपछिपी के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका साफ साफ कहना है कि मैम हमें 25 से 30 साल का समय बीत चुका है यहाँ रहते हुए, लेकिन फिर भी वो बिजली पानी से लेकर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित है। वहीं दूसरी तरफ आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी 3 से 4 साल का समय हुआ है जिसके चलते वो बसे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। जी जी हाँ, 2-3 साल से वहाँ जाके वो रह रहे हैं, वहाँ ये है कि ना पानी का भी नहीं है सुविधा जी, हाँ, और सड़क का भी नहीं है, बिजली का भी नहीं है, जो कि इसका बिजली का भी सरपंच जी से मेरा चर्चा हुआ कि भाई ऐसा ही सा समस्या है वहाँ कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो वो बोले कि बिजली का सर्वे हो चुका है, वहाँ बिजली की व्यवस्था होगा, और इसके लिए हैंडपंप के लिए बोले हैं, पेयजल के लिए, पेयजल का भी सुविधा वहाँ, हैंडपंप नवीन हैंडपंप वहाँ खुदवाया जाएगा, अच्छा वो बोले हैं जी। सर सड़क की व्यवस्था कब तक हो पाएगी इन तीनों, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और ज्यादातर जो विकास के वादे होते हैं, सड़क तो ठीक है, बिजली भी ठीक है, लेकिन पानी एक ऐसी समस्या है जिसके चलते लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, दिनचर्या है, वो नहीं चल सकती। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है सर कि विकास की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको पूरा किया जाए ताकि जो विकास के काम है उससे ग्रामीण भी खुश नजर आए। तो अभी उसी के लिए हुआ है, बोल रहे हैं कि नहीं सड़क का भी हो जाएगा व्यवस्था, सड़क तो फॉरेस्ट वालों से मतलब बनवाया जाएगा आवागमन का सुविधा, क्योंकि फॉरेस्ट में जमीन है वो जी, हाँ, तो जहाँ से रेवेन्यू अपना लगा हुआ है वहाँ तक सड़क बना हुआ है जी, लेकिन वो एकदम जंगल में है, फॉरेस्ट में, पीएफ
बिल्कुल गुलाब जी, फॉरेस्ट है वो। गुलाब जी जानना चाहूंगी कि कब तक ये ग्रामीण जो है उनको समस्या से निजात मिल सकेगा, लगभग इतना बता दीजिए समय सीमा कि जिसके चलते जो ग्रामीण है वो आश्वस्त रहें और आने वाले समय में वो इस तरीके से संतुष्ट रहें कि हाँ विकास के कार्य होंगे, तो तय समय सीमा कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी भाई, हम सर सरपंच से चर्चा हुआ, सरपंच होने के बाद ये बोले हैं कि बरसात के बाद में जी, वर्षा के बाद इस समय वहाँ हैंडपंप भी नहीं खुदवाया जा सकता। जी जी हाँ, बरसात के बाद में वहाँ ये बिजली का भी व्यवस्था होगा जी, और पेयजल का भी व्यवस्था होगा। आवागमन में थोड़ा सा भले कुछ लेट लगे दो चार महीने का, लेकिन बरसात के बाद में दो चीज तो पहले हो ही जाएगा। जी गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय राय जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। संजय जी क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से आज भी ग्राम वंचित है। हम बात कर रहे हैं छिपछिपी ग्राम पंचायत की, जहां पर लोगों का कहना है कि 25 से 30 साल का समय बीत चुका है लेकिन विकास नहीं हुए, क्या कुछ कहेंगे? जी मुझे अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और मेरे पास अभी तक कोई ग्रामीणों ने ऐसा लिखित में आवेदन तो नहीं किया है जी, किंतु मैं वहाँ निरीक्षण के लिए जाऊंगा स्वयं, और अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं वहाँ के लिए जो भी मकाम या आवश्यक विकास कार्य होंगे। लेकिन सर ग्रामीणों का तो आरोप है कि वो विधायक से लेकर तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार लगा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि वहाँ पर किसी भी ग्रामीण ने आपसे शिकायत नहीं की है। हाँ मुझे अभी इतना समय नहीं हुआ है, मैं इसी वित्तीय वर्ष में अभी जनपद में आया हूँ तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप बता रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं जा करके वहाँ जरूर देख करके आऊंगा और ऐसी कोई आवश्यकता होगी ग्रामीणों की तो उसके जरूर पूरा किया। बिल्कुल संजय जी, हम चाहेंगे कि आप वहां जाएं और जो ग्रामीण है उनकी सुध लें, क्योंकि ग्रामीणों की जो समस्या है उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। बिजली की समस्या, पानी की व्यवस्था और साथ ही साथ सड़क की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छी बात है कि आप अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ये आश्वस्त करें एमके न्यूज के माध्यम से, जन मुद्दे के माध्यम से, ताकि ग्रामीणों में ये संतुष्टि हो कि वाकई में यहाँ पर अब विकास के कार्य होंगे। जी मैं अपने इंजीनियर्स की टीम को भी अभी जल्दी ही वहाँ भेजूंगा ताकि वो जाकर के एक भौतिक सत्यापन कर लें। बिल्कुल सर, और उसके बाद मैं स्वयं जाऊंगा वहाँ पे आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम आश्वासन देने के लिए, साथ ही साथ ग्रामीणों में ये सामंजस्य बनवाने के लिए और समन्वय जिसकी जरूरत होती है उन मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिसके चलते आज भी ग्रामीण वंचित हैं। लेकिन आपको बता दें कि नए जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो पदस्थ हुए हैं, जिसके चलते सूचना की जानकारी जो है उनको नहीं मिली थी। लेकिन हाँ आपको बता दें कि एमकेएन न्यूज के माध्यम से, जन मुद्दे के माध्यम से, जन जन की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ पहुंचाते ही नहीं है बल्कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों को उनकी समस्या का समाधान भी दिलाते हैं। इसी के चलते तमाम जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया और कार्रवाई की मांग भी की। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह जुड़ गई हैं। रेणुका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी रेणुका जी क्या कहेंगी, मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं, लोगों का कहना है कि 20 से 25 साल का समय बीत चुका है लेकिन विकास के काम नहीं हुए, क्या कुछ कहेंगी? रेणुका जी सवाल ये जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? रेणुका जी मैं तेज आवाज में बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं छिपछिपी ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है, जहाँ पर ग्रामीण जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, 20 से 25 साल का समय बीत चुका है लेकिन आज भी वहाँ विकास नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? जी मेरे को अभी की जानकारी मिली है, मैं पहले से था लेकिन अभी पूरी पता चलूँ की वहाँ पर ना एक ऐसा छिपछिपी ग्राम पंचायत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं विकास की, बिजली पानी ये तीनों चीज की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं, और वो लोग विकास के बहुत पीछे रह गए हैं इसी के कारण। और मैं चाहूंगी अब मेरे से जो बन पड़ गए उसमें उसको दूर करने की कोशिश करूंगी मैं। लेकिन रेणुका जी सवाल ये उठता है कि जिस तरह से वहां पर ग्रामीण परेशान है, आखिरकार मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ता है ग्रामीणों को? पहले से आप लोग इस तरीके से विकास के वादे जिस तरीके से करते हैं तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, लेकिन वहां पर ग्रामीण फिर भी परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल परेशान है ग्रामीण वहां, हम करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन कुछ तो रहता है ना, ऊपर से भी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब होगा, कैसे नहीं होगा, विकास होगा, हम वादा करते हैं कि वहां पर होगा और करेंगे भी हम विकास। कब तक वाली क्या, उसमें कोई
थोड़ी रहता है मैडम कि हम इतने कर देंगे, लेकिन विकास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वादा किया है, हमारा क्षेत्र है, वहां पर लोग परेशान है, आज हम इसीलिए तो उनकी प्रतिनिधि बन के यहाँ पर है मैम। वो तो ठीक है रेणुका जी, जनप्रतिनिधि बनकर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए तो विकास के कार्य किए जाए ना, क्योंकि वहां पर अगर वाकई में विकास नहीं हुए हैं तो ग्रामीणों का तो सच कहना है कि वहां पे 20 से 25 साल का समय बीत चुका है लेकिन विकास नहीं हुए। दूसरी तरफ आप ये कहती हुई नजर आती है कि वादे किए हैं तो पूरे होंगे, लेकिन वादे किए हैं करना अलग बात है, लेकिन ये है कि जब जमीनी हकीकत अगर वाकई में आप वहां पे काम करवाती हैं तो वो चीज दिखती है वहां पर हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो रहा है, हो रहा है विकास का काम मैम, होगा और हो ही रहा है। विकास का काम होता तो हम ये मुद्दा ही नहीं उठाते रेणुका जी। तमाम प्रतिनिधि परेशान यहाँ पर इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि ग्रामीण जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि विकास के काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अच्छा सवाल ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि वाकई में मैंने ये सवाल पूछा है कि कब तक समय सीमा के अनुसार, क्योंकि ग्रामीणों को आश्वस्त करना भी बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मौके पर चूंकि कोरोना काल का समय चल रहा है, कब तक यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित हो पाएंगे ग्रामीण? बहुत जल्दी होगा मैम, बहुत जल्दी होगा और आप देखिएगा बहुत जल्दी होगा। जी रेणुका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आश्वस्त करने के लिए हमारे ग्रामीणों को और तमाम उन रहवासियों को जो आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत छिपछिपी की, जहां पर आजादी के इतने साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लेकिन जनप्रतिनिधि कोई सुध लेते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बात करते तो हैं, आश्वासन मिलता तो है लेकिन काम जो है वो नजर नहीं आता है। तमाम आश्वासन के आधार पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर विकास के वादे करने की बात तो कही गई है लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस मामले में कौन सा जनप्रतिनिधि किस तरीके से सुध लेता है और ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित करता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जो है उनका कहना है कि इतने समय बीत जाने के बाद भी अगर जनप्रतिनिधियों जो है वो सुध नहीं लेते हैं तो आखिरकार ग्रामीण मदद की गुहार किससे लगाएंगे, क्योंकि बिजली पानी से लेकर सड़क की परेशानी से पूरा क्षेत्र इस समय जूझ रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो अभी ही वहां पर वर्तमान स्थिति में ही पदस्थ हुए हैं जिसके चलते उन्हें इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया। हालांकि यहां ग्रामीण कुछ और कहते हुए नजर आते हैं क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है कि जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम अधिकारियों तक इस बात की गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके यहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो ये दिखाया गया कि आखिरकार सड़क पानी को लेकर क्या कुछ सुविधाएं जो है वो यहां पर मुहैया कराई गई है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है उनसे भी ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं, अधूरे पड़े हैं बिजली पानी और सड़क के काम, जनप्रतिनिधियों से लगा चुके हैं कई बार मदद की गुहार, अधिकारियों ने भी लिया है मुद्दा उठाने का जिम्मा, साथ ही साथ आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों ने कोरोना का बहाना लेकर इससे पल्ला झाड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, वहीं विकास का काम सिर्फ कागजों तक सीमित है। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र जुड़ चुके हैं आखिरी सवाल के साथ। आपको बता दें अविनाश कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन क्या लगता है, क्या आश्वासन के आधार पर ग्रामीणों के विकास जो है वो संभव है या फिर काम करवाना बेहद जरूरी है यहाँ पर? ये जाहिर से बात है कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखे हैं, अगर उन्होंने वादे किए हैं और आज एमकेएन के माध्यम से, जनमुद्दा के माध्यम से उन तक ये बात पहुंची है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वहां पर विकास के लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम तो होगा, ऐसा अब लगने लगा है कि काम होगा क्योंकि एमकेएन ने बड़ी प्रमुखता से खबर को उठाई है और जनप्रतिनिधि भी आश्वासन यदि दिए हैं और अधिकारी वर्ग भी अगर आश्वासन दिए हैं तो जाहिर है संज्ञान में आएगा और वहां पर मूलभूत सुविधाएं जरूर पहुंचेंगी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि खुशी इस बात की है क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है उन्होंने मुद्दे को समझा, उसके उत्तर भी दिए, जवाब के आधार पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि अब विकास के काम यहाँ पर वाकई में संभव हो पाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आश्वासन जो है वो पॉजिटिव न्यूज की तरफ से सामने आ रहा है, क्योंकि अगर सकारात्मक सोच यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की सोच के अनुसार महसूस की जाती है तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर वाकई में विकास करेंगे या फिर विकास के काम यूं ही अधूरे रह जाएंगे। लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए आश्वासन और
वादे आखिरकार आगे पूरे होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।